Hi guys, this is me Vandana. Welcome and welcome back to my channel, The Glam Mom. How's doing? Also, guys, if you are watching me first time, please take a moment to subscribe my channel first and don't forget to hit the notification bell button icon also. So guys, आज हम बात करेंगे which unwanted hair removal method is best. Actually, now today's time, everyone is preferred waxing over hair removal cream or some other method because waxing एक बहुत ही ज़्यादा time consuming method है and साथ में इसमें tannings भी हट जाती है. But waxing कराने के बाद बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं. लाइक वैक्सिंग के बाद हमें इरिटेशन होने लग जाती है, स्किन बम्स आ जाते हैं, साथ में बहुत ही ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाते हैं. बिकॉज वैक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गर्म चीज़ अपने स्किन पे लगा रहे हैं तो उससे स्किन ड्राई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं. वैक्सिंग के बाद आपको फिर अलग से बहुत सारी ये लोशंस वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे, नरिश रहे. बट उसके बाद जो हेयर आता है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड आता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वैक्सिंग करवाना. सो इसके अलावा कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं? तो आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ कर सकते हैं. मार्केट में ह्यूज हेयर रिमूवल क्रीम्स अवेलेबल है बट उन हेयर रिमूवल क्रीम्स का क्या होता है कि आप उसको लगाते हैं फिर आप उसको क्रीम रिमूव कर देते हैं बट रिमूव करने के बाद आपको वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है बिकॉज आपकी टैनिंग नहीं हट पाती है, साथ में आपकी स्किन उसमें भी ड्राई हो जाती है बिकॉज बहुत सारे इन्ग्रीडियंट ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करते हैं. सो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि आपको एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करनी चाहिए जो आपको 5 to 10 मिनट्स में इंस्टेंट आपको आराम दे दे, साथ में आपकी टैनिंग भी रिमूव करे एंड उसके अंदर एक ऐसे इंग्रेडिएंट हो जो आपका जो हेयर जो आ रहा है उसके बाद हेयर ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए एंड आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लगे, नरिश लगे एंड हाइड्रेट लगे. सो गाइज, आज मैं आपको ऐसे ही प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो आपकी सारी परेशानी दूर कर देगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड है. अगर आप ऑफिस भी जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, अगर आप वैक्सिंग प्रेफर नहीं करते, एज आई एम अ वेरी सेंसिटिव स्किन काइंड ऑफ पर्सन और मेरे बहुत ज़्यादा कम हेयर ग्रोथ है सो मैं वैक्सिंग प्रेफर वैसे भी नहीं करती हूँ बिकॉज वैक्सिंग से ज़्यादा वो मेरी जो स्किन है, हेयर इतने ज़्यादा है नहीं तो वो स्किन ही उखड़ जाती है मुझे ऐसे लगता है. तो मैं वैक्सिंग भी नहीं कराती हूँ, मैं नॉर्मली घर में अपना भी कर लेती हूँ. सो नाउ मैं आपको आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो आपकी सारी परेशानी दूर कर देगा. सो गाइस, न्यूड ने लॉन्च करा है ये एंटी टैनिंग हेयर रिमूवल क्रीम एंड ये ट्विन पैक में आता है आपको. इसके अंदर आपको दो क्रीम मिलती है. सबसे अच्छी बात है ये हेयर रिमूवल क्रीम तो है बट ये साथ में आपका जो टैनिंग है उसे भी हटा देगी एंड इसके अंदर इस टाइप के प्रोडक्ट हैं, इस टाइप का इंग्रेडिएंट है जो आपके जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे, नरिश रहे एंड साथ में ग्लो भी करेगी. ठीक है, सो ये है एंटी टैनिंग हेयर रिमूवल क्रीम. नो हार्ड स्मेल. आपने पता है आपकी जो क्रीम्स होती हैं हेयर रिमूवल क्रीम उसके अंदर ही कितने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं ना, मेरे तो सरदर्द ही होने लग जाता है उसकी स्मेल से. तो इसके अंदर स्मेल भी नहीं है, ये आपकी स्किन को डार्कन भी नहीं करेगी और जितनी मार्केट में क्रीम्स आती है वो स्किन को डार्क भी कर देती है, ड्राई भी कर देती है, स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है. सो न्यूड क्लेम करता है कि जो इनका ये जो हेयर रिमूवल क्रीम है इसके अंदर ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हार्श नहीं है, ये आपकी स्किन को बर्न नहीं करेगी और आपकी स्किन को डार्क भी नहीं करेगी. ठीक है, एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव न्यूड ब्रांड. मैंने बहुत सारे इनके न्यूड के प्रोडक्ट ट्राई कर चुके हैं एंड ईच एंड एवरी वन प्रोडक्ट इट्स रियली गुड बिकॉज न्यूड है टॉक्सिन फ्री, केमिकल फ्री, सल्फेट फ्री एंड इट्स ऑल सेफ टू यूज इन एनी काइंड ऑफ स्किन. लाइक आप इसको कॉम्बिनेशन स्किन आप यूज कर सकते हैं, टीनेजर गर्ल्स भी आप इसको यूज कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी मेथड टू यूज. सो इसकी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है. आपको जो इसका ट्विन पैक है, पहले मैं बता दूं इसकी 23 का ये बना है, 25 तक ये वैलिड है एंड इसका प्राइस है आपको 360 रुपीज़. ये आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा तो आप इसको चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी. तो इसके अंदर आपको ट्विन पैक मिलेंगे एंड इसके साथ आपको ये स्पैचुला भी मिल रहा है, क्रीम अप्लाई और निकालने के लिए ये स्पैचुला इसके साथ मिल जाएगा एंड ये इसके ट्विन पैक है. ठीक है, सो पैक में भी जो प्रोडक्ट है ये आपको 50 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है तो 50-50 आपको 100 ग्राम्स मिल रहे हैं टोटल मिलाकर के एंड इट्स रियली रियली गुड. एंड नाउ मैं आपको बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है. वैसे गाइस, नाउ आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई दिस क्रीम. सो अगर आपके पैरों में ज़्यादा हेयर हैं या हाथों में, जहाँ भी आप क्रीम अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको ट्रिम कर लेना है, देन वो काफ़ी माइन्यूट छोटे छोटे बाल हो जाएंगे. देन एडिक्वेट अमाउंट में क्रीम लेके आपको सारे जो हेयर है उसको अच्छे से कवर अप करना है. द फॉर्मूला ऑफ द क्रीम इट्स रियली नाइस एंड ईजिली अप्लाई हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हैड्स अ पपाया एंड एलोवेरा, दैट्स वाई ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा स्मूद है. इसके अंदर आर्बुटिन एंड कोजिक एसिड भी है जो टारगेट करता है
डार्क स्पॉट एंड जो हाइपर पिगमेंटेशन के स्कार्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देता है। सो इसमें जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा आप देख लेंगे स्लो डाउन हो जाएगी ड्यूरिंग जब आप इसको लगने लग जाएंगे। एंड इसमें ना कोई भी हार्ड स्मेल नहीं है, जैसा आप देखते होंगे कि काफ़ी जो क्रीम्स होती हैं लगाते लगाते काफ़ी ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसमें ऐसे कुछ नहीं है। एंड ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। प्रिकॉशंस ये है इसमें कि पहले आप पैचेस कर लें, अगर आपको कोई भी इरिटेशन या रेडनेस नहीं होती है देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, ना मैंने यहाँ पे वेट टॉवल लेके आप इसको वर्क करोगे। एंड सीरियसली गाइस आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट यार, ये देखो आप कितना ज़्यादा रिमूव कर दिया है, इवन यहाँ पे टैनिंग भी रिमूव हो चुकी है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि स्किन काफ़ी ज़्यादा नरिश हाइड्रेट एंड फ्लॉलेस लग रही है ड्यू टू एलोवेरा एंड पपाया एक्सट्रैक्ट। एंड दिस आपके सामने रिजल्ट है। सो गाइज अभी आपने देखा मैंने कितना ईजीली अपने जो लेग्स के हेयर थे वो काफ़ी रिमूव कर दिए। एंड गाइज सबसे अच्छी बात है इसमें कोजिक एसिड है एंड आबोटेन है जो आपके स्किन को यू नो हार्श नहीं होते आपके स्किन पे। एंड आपका जो इसमें जो स्किन हाइड्रेट रहती है नरिश रहती है। इसमें एलोवेरा जेल एंड पपाया भी है, जो एलोवेरा जेल है वो आपकी स्किन को सूद करेगा एंड पपाया स्किन में ग्लो लाएगा, साथ में जो आपका जो स्किन आएगा उसको सॉरी जो आपके जो हेयर्स आएंगे उसकी ग्रोथ को भी थोड़ा स्लो डाउन कर देगा। तो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हेयर है तो दिस क्रीम इट्स रियली रियली नाइस। सबसे अच्छी बात है 5 से 10 मिनट का काम है एंड यू आर गुड टू गो। एंड आपको वैक्सिंग पार्लर में भी यू नो हमें टाइम लेना पड़ता है, घंटों वहाँ पे जाना पड़ता है और बहुत सारे वर्क्स आपको खर्च करने पड़ते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन होने वाला है। एंड आई जस्ट लव दिस क्रीम एंड आई विल यू नो मैं इसको गिफ्ट भी करने वाली हूँ अपने फ्रेंड्स फैमिली को। अगर आपको ये क्रीम पसंद आ रही है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, जस्ट गो थ्रू द लिंक्स। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है ये। येस आई जस्ट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर यू गाइज। एंड येस अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।